अभी भी चांस है कि आप आए और यह हाउसिंग सोसाइटी जो बिल्कुल तैयार है उसमें अपनी प्रॉपर्टी लें और वो भी किस्तों में लें। सेवन वंडर सिटी में जो प्लॉट शुरू में दिया गया था 1.5 लाख रुपए में ये प्लॉट दिया गया था 120 गज का, और आज जिन्होंने बुकिंग कराई है आज उनके सामने है। तो आज भी जो लोग इस बस में नहीं बैठे हैं वो ज़रूर बैठे हैं, ताकि आज ये 30 लाख का प्लॉट है या 28 लाख का प्लॉट है, आइंदा आने वाले वक्तों में ये 60-70 लाख का होगा, फिर ले रहे होंगे। बहुत बड़ी जामा मस्जिद, ग्रैंड मस्जिद, जो यहाँ ताजमहल ये आप देख रहे होंगे राइट पर, इधर इंशाल्लाह बनने जा रही है। स्कूल एंड हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। रोशन वेलफेयर ट्रस्ट के हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन भी बहुत जल्द होने वाला है। 1000 और 2000 गज के फार्म हाउसेज के प्लॉट्स भी दिए हैं। दुनिया भर में हाउसिंग सोसाइटीज़ या अच्छी डेवलपमेंट होती हैं वो थोड़ा शहर के बाहर होती हैं, और अब ये शहर के बाहर बैरिया भी आ गया है, हमारे बराबर में ASF भी है। तो सर ये एक आज फिर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आज भी ये तैयार चीज़ मौजूद है, बिल्कुल कोई नक्शों पे नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड हर चीज़ मौजूद है। और हम आज भी ये ऑफ़र कर रहे हैं कि हम इनको किस्तों पर देने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम, दीमेमन टीवी के साथ अली गोडेल। आप सोच रहे होंगे इस वक्त मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ सेवन वंडर सिटी फेज़ 1 M9 मोटरवे पर GFS का एक और शाहकार, और मेरे को मैं कैमरा में दिखा सके कि एक कहते हैं जंगल में मंगल, तो इतनी माशाल्लाह फैमिलीज़ का यहाँ पर आना ये GFS की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एतमाद। इरफान भाई साहब जो कि CEO हैं GFS बिल्डर के, उनका विजन इतना बड़ा है, लीडरशिप इतनी अच्छी है, और पूरे पाकिस्तान में उनके इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जैसे ये 7 वंडर 1 है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी लीडरशिप में हम एज अ कंपनी, एज अ CEO एट पल्स उनके आइडिया को ही फॉलो करते हुए, उनकी लीडरशिप को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़े, और उन्होंने जो ज़हन दिया था उस ज़हन के मुताबिक हम लोग चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में पब्लिक है, हज़ारों की तादाद में पब्लिक है, स्टेज है, लाइव परफॉर्मेंस चल रही है, और ये 7 वंडर सिटी फेज़ 1 का जो मनसूबा है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप दुनिया के साथ जो वंडर्स हैं उसको आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ वंडर्स को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दी मेमेंटो के साथ मैं हूँ हारिस सलीम जी। क्या कहेंगे आप इस GFS के कॉन्सर्ट के बारे में, आपको कैसा लग रहा है इस सोसाइटी, और किस क्या कहना चाहेंगे आप दूसरे लोगों को इस विजिट के बारे में, और क्या कहेंगे आप इरफान भाई साहब के बारे में जिन्होंने पूरा अरेंजमेंट की। भाई इरफान भाई साहब बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और ये ऐसी फ़िज़ा है जैसे कराची से शहर के बिल्कुल नज़दीक पंजाब जैसी कलोनी है ये, मतलब कि यहाँ कोई धुआँ नहीं है, कोई गर्दो गुबार नहीं है, और इतना प्यारा सेटअप है, और कराची में सबसे कम रेट में यहाँ प्लाट मिल रहे हैं।
माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त अरेंज किया है इन्होंने और इसी तरीके से करना चाहिए उनको सारे प्रोग्राम, ताकि लोग महंगाई की सताए हुए लोग हैं ताकि इंजॉय करें आके। जी पहले तो मैं JFS का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बुलाया हमारे को, हमारे को बहुत अच्छा लगा, अल्लाह पाक ने खुशियाँ लगाएं, हम दोबारा आते रहेंगे और बहुत ऊँचाई भी है। क्या ये जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम JFS के इस कॉन्सर्ट में मौजूद है, जंगल जंगल में मंगल हो रहा है बिल्कुल इस वक्त, और आप देख सकते हैं ऐसा अलादीन पार्क जैसा अभी यहाँ पर लगा हुआ है कॉन्सर्ट, उस साइड कॉन्सर्ट चल रहा है हमारी बैक साइड पर, और यहाँ पर बच्चे जो एंटरटेन कर रहे हैं झूले वगैरह। और मैं जी जैसा कि आप इस वक्त मौजूद है JFS के कॉन्सर्ट में, क्या कहेंगे आप लोगों को, क्या क्या माहौल है यहाँ का, और इस सोसाइटी के बारे में क्या कमेंट देंगे, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर, और इरफान वाहिद साहब के बारे में जिन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया है इस सोसाइटी के हवाले से? इन्वायरमेंट तो यार बहुत ही अच्छा है और काफ़ी बच्चे भी बहुत अच्छा इन्जॉय कर रहे हैं, खाने पीने का इंस्टॉलमेंट इन्होंने अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से की थी, और इन्वायरमेंट जो है सॉन्ग वगैरह हो गए सारे एंटरटेनमेंट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा तो मतलब मूड था कि 8 बजे तक इस तक चले जाऊँ, लेकिन अब दिल चाह रहा है कि यहीं पर स्टे कर लूँ क्योंकि इन्वायरमेंट इतनी अच्छी बनी हुई है। JSF का भी ब्रांड बहुत अच्छा है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सब अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है बच्चों के लिए भी, और इरफान साहब का ये बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा तरक्की दे। मैं तो कहती हूँ फैमिलीज़ को आना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए, अच्छी बात है। एक आप लोगों ने इतना अच्छा किया, इरफान भाई ने इतना अच्छा किया, तो मुझे अच्छा लगा। मैं इरफान वाहिद साहब को JFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जो CEO हैं, मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, मोहसिन वाहिद भाई को, मंसूर वाहिद भाई को और बासित भाई को। अल्लाह पूरी JFS फैमिली को जज़ाए खैर अता फरमाए कि जो उन्होंने हैदराबाद कराची के बीच ये 7 वंडर सिटी का खूबसूरत प्रोजेक्ट जो आबाद हो चुका है माशाल्लाह से, और लोग आज यहाँ पर आए हैं, सूफ़ी नाइट का अहतमाम किया गया और ख़ूबसूरत शाम सजाई JFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने तमाम पाकिस्तानियों के लिए।